Good morning, students. So today we are going to discuss on the topic meter in circuit. आज हम बात करेंगे meter in circuit के बारे में. Meter in circuit होता क्या है पहले ये जान लेते हैं. एक hydraulic system में, अगर एक hydraulic system circuit की बात कर रहे हैं तो उसको कैसे बोल सकते हैं कि ये hydraulic circuit है. Hydraulic circuit में बहुत सारे hydraulic components का एक मिला जुला इफेक्ट होता है, ठीक है. तो उसी में से आज बात करेंगे स्पीड कंट्रोल की. तो मीटर इन सर्किट या बात कर ले हम मीटर आउट सर्किट या बात कर ले ब्लीड ऑफ सर्किट, ये सब किसके अंडर आती है. अगर मैं बात करूं ये मीटर इन हो गया, मीटर इन सर्किट, मीटर आउट सर्किट, ब्लीड ऑफ सर्किट, तो ये जो तीनों आते हैं ये दीज थ्री कम्स अंडर द सब कैटेगरी ऑफ द स्पीड कंट्रोल. स्पीड कंट्रोल सर्किट ये तीनों किसके अंदर आते हैं, स्पीड कंट्रोल सर्किट के अंदर. जैसा कि नाम ही बता रहा है स्पीड कंट्रोल. मीटर इन में भी हम यही देखेंगे कि कैसे, हाउ कैन वी रेगुलेट द स्पीड ऑफ अ पिस्टन, ठीक है. हम पिस्टन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके स्पीड को, ठीक है. तो ये हम पढ़ेंगे अभी मीटर इन सर्किट में. तो पहले एक सिमेटिक जो डायग्राम है, सॉरी डायग्राम है, उसको देख लेते हैं. हमारा यहाँ पे पहले मोटर है और उसके साथ कनेक्टेड पंप है. आगे अगर बात करूँ तो आगे है ये हमारा रिलीफ वॉल्व. प्रीवियस लेक्चर में मैंने इस पर बात कर चुका हूँ इस पर. तो ये हुआ हमारा रिलीफ वॉल्व. आगे फर्दर बढ़ते हैं तो ये हमारा आप देख रहे होंगे ये क्या है, 4/2 डीसी वॉल्व. ये क्या है, 4/2 डीसी वॉल्व. ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ. आप देख सकते हो मेरे दूसरे लेक्चर में 4/2 डीसी वॉल्व में इसे बोलते क्यों है ये भी मैं बता चुका हूँ. 4 पोर्ट्स हैं और 2 ऑपरेशन होगा, 2 ऑपरेटिव होगा एट अ टाइम, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे अभी 2 ऑपरेशन है अगर मैं इसे मान लेता हूँ. और हाँ, ये जो आप देख रहे हो ये इंडिकेशन ये बता रहा है कि 4/2 डीसी वॉल्व किस टाइप का है, सोलेनॉइड टाइप का. तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ SOV1 मीन्स सोलेनॉइड ऑपरेटेड वॉल्व V1, और इसे कर देता हूँ नाम SOV2, ठीक है. फिर आगे फर्दर बढ़ते हैं. यहाँ पे आप देख रहे हो एक बना हुआ है साइन. ये क्या है, ये है F से मैंने डिनोट किया है. ये है वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वॉल्व. F क्या है, वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वॉल्व. इसके साथ और एक क्या लगा हुआ, ये चेक वॉल्व. ये चेक करेगा कि रिटर्न तो ना आ जाए हमारा फ्लूड या ऑयल की बात करें, वो रिटर्न ना आ जाए. तो चेक वॉल्व जो है अलाउ करेगा किसी एक ही डायरेक्शन में ऑयल के फ्लो का या फ्लूड के फ्लो का, ठीक है. तो यहाँ जो ये फ्लो करेगा अलाउ करेगा किधर को, बस इस साइड को, इस साइड को नहीं करेगा, ठीक है. तो अब बात करता हूँ यहाँ पे, पहले ऑपरेशन अब शुरू करते हैं, ठीक है. ये हमारा फिल्टर लगा है यहाँ पे, ठीक है. अब मैं पहले मोटर ऑन करूँगा. मोटर जैसे ही ऑन करते ही यहाँ से पंप जो है, ये हमारा रिजर्वायर है यहाँ पे. ये हमारा क्या है, ये रिजर्वायर है, ठीक है. अब जैसे ही मैंने मोटर ऑन किया पंप अपना काम स्टार्ट कर देगा, ठीक है. और हाई प्रेशर पे डिलीवरी होती है ऑयल की. तो सपोज करो कि यहाँ से ऑयल यहाँ पे फ्लो हुआ तो ये पिस्टन को फोर्स करना स्टार्ट करेगी. तो पिस्टन जो है एडवांस होगा, मतलब आगे बढ़ेगा, ठीक है. आगे बढ़ेगा तो ये हमारा पिस्टन रॉड हो गया. इसी पे यहाँ पे कहीं पे हमारा लोड है, ठीक है. इधर पे हमारा लोड है तो इसी को हमको लोड को काम कराना है. तो यहाँ से जब ऑयल फ्लो होगा, जब फ्लूइड फ्लो हो तो ये एडवांस होगा अपने स्ट्रोक को, मतलब आगे बढ़ेगा स्ट्रोक, ठीक है. ये लास्ट जब अपने पोजीशन पहुंच जाएगा तो ऑयल तो अभी से जाने के लिए है नहीं जगह. तब वहाँ पे जब हाई प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाता है ऑयल के थ्रू, तब ये रिलीफ वॉल्व क्या करता है, पायलट लाइन जो है इसको प्रेशर करता है इस साइड से
क्योंकि हमारा मेन लाइन में क्या हो गया है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका एक लिमिट होता है, सेट लिमिट से। जैसे ही अगर पूरे हाइड्रोलिक सर्किट का एक सेट लिमिट होगा, अगर उससे प्रेशर ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो ये क्या होगा, पायलट लाइन इसको इंडिकेट करेगा और इसको पुश करके इसको मेन लाइन से जोड़ देगा, ठीक है। इस लाइन से जोड़ेगा और यहाँ पे जो भी पंप फ्लो करेगा ऑयल को, ठीक है, प्रेशर बढ़ने के बाद पूरे सिस्टम में, तो ये सीधा ड्रेन आउट करने लगेगा किस में, रिजर्वायर में, ठीक है। और ये जो रिलीफ वाल्व है ये हमारे मोटर को बचाता है, ठीक है। चलिए इस पे आते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है वेरिएबल वाल्व, फ्लो कंट्रोल वेरिएबल वाल्व, ये हमारा मेन लाइन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप इस तरह समझो इसको, अगर यहाँ से ऑयल इसके थ्रू फ्लो होके इसके इसमें जाना है, आप इस तरह समझो कि नल को जितना खोलोगे उतना प्रेशर से पानी निकलेगा ना, सेम उसी तरह से ऐसे मैं इसे जितना ओपन करूँगा उतना प्रेशर से ये इधर को डिलीवरी होगा ऑयल का, और ये पिस्टन उतनी ही स्पीड से हमारा वर्क करेगा, ठीक है। तो अगर बात करूँ मीटर इन सब की, बहुत सारा जेसीबी वगैरह आप देखे हो तो इसी पे जनरली वो काम करता है, ठीक है। तो पहले अगर मैं स्विच ऑन करता हूँ SOV1 सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व 1 को, जैसे ही मैंने ऑपरेट किया ये वाला कंडीशन ऑन हो गया, मतलब क्या है, ये पंप यहाँ से ऑयल पंप करेगा और ये इस पोर्ट के थ्रू, मान लो अगर ये पोर्ट AB यहाँ पे PT और इसे AB मान लेते हैं, सपोज करते हैं, तो ये P से A कनेक्ट होगा, जैसे ही मैंने SOV1 को ऑन किया P2A कनेक्ट होगा और ये फ्लो वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल्व के थ्रू ये इसमें डिलीवरी होना शुरू हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं इसके पिस्टन के स्पीड को कंट्रोल करना, तो यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको, ज़्यादा अगर हमें स्पीड चाहिए तो यहाँ पे ज़्यादा ओपन करेंगे, और कम स्पीड चाहिए तो हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा बंद कर देंगे, ठीक है। जिस तरह से आप नल चलाते हो ना टैप, तो उसे ऑन कर तो जितना खोलोगे उतना फ्लो बढ़ेगा, तो सेम उसी तरह से यहाँ पे हमारा वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल्व काम करता है, ठीक है। चेक वाल्व ये एनश्योर करता है कि हमारा कोई रिटर्न तो नहीं आ रहा है, ठीक है। अब उस पर बात करूं तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो है स्पीड कंट्रोल करता है, कब, जब पिस्टन एडवांस स्ट्रोक में होता है, ओनली इन एडवांस स्ट्रोक जब एडवांस स्ट्रोक होता है, ओनली ये लिखना पड़ेगा ओनली, कि स्पीड कंट्रोल कब कर सकते हैं मीटर इन में, जब पिस्टन एडवांस स्ट्रोक में हो, मतलब आगे की ओर, यहाँ पे लगा है ना, इधर कहीं पे लगा है क्या, इस साइड पे कहीं पे हमारा फ्लो वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल्व नहीं लगा है, तो सिर्फ एडवांस स्ट्रोक में ही हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो ये वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल्व है, ये मेन लाइन में यानी प्रेशर लाइन में हमेशा करेक्ट होगा। अगर मीटर इन की बात करें तो मीटर इन में जो है F जो फ्लो कंट्रोल वाल्व है, वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल्व, ये हमेशा मेन लाइन या बोल लो प्रेशर लाइन में कनेक्ट होगा। प्रेशर लाइन में हम इसको कनेक्ट करेंगे, ये हो गया। अब अगर बात करूं मैं एक और इसके डिफरेंस, मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में मैं मीटर इन और मीटर आउट के डिफरेंस के बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। अभी पहले मीटर इन पे बात करते हैं। और मीटर इन में जो है हमें बहुत फाइनर कंट्रोल मिलता है, मीटर इन में हम बहुत फाइनर कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम जितना चाहें उतने इस पिस्टन को स्पीड प्रोवाइड करा सकते हैं थ्रू द वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल्व, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग फाइनर जो है कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो सपोज करो कि यहाँ से डिलीवरी करना है आपको 10 लीटर पर सेकेंड से, तो ये हम यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन में मान लो हमें चाहिए 5 लीटर पर सेकेंड का डिलीवरी,
तो यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या है मीटर इन में कि हम लोग फ्लो को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, बट पिस्टन शुड बी इन एडवांस स्ट्रोक ओनली, सिर्फ एडवांस स्ट्रोक में। रिटर्न जब यहाँ से आ रहा, आप देख रहे हो यहाँ पे इसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी यहाँ पे फ्लो कंट्रोल वाल्व नहीं रखा है, तो ठीक है। तो रिटर्न में हम जो है इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, रिटर्न जब होता है हमारा स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक में तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते इसके स्पीड को, ठीक है। ये हमेशा हम कंट्रोल कर सकते हैं कब, व्हेन द पिस्टन इज इन एडवांस स्ट्रोक ओनली, ठीक है। तो ये हमारा मीटर इन मीटर आउट हो गया, और ये सोलेनोइड ऑपरेटर ऑपरेशन वन था। जब ऑपरेशन टू होगा तो ये पोजिशन में आ जाएगा, मतलब ये ए कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये इधर आने लगेगा, ये वाला पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा, तो मतलब ये कनेक्ट हो जाएगा इससे, ये कनेक्ट हो जाएगा इससे, और ये कनेक्ट हो जाएगा इससे, जब सोलेनोइड ऑपरेटेड वाल्व टू जब ऑन हो जाएगा। तो देख रहे हो ये कंडीशन, आप ये वाला कंडीशन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये ए से टी में, मतलब अब इधर से फ्लो होने लगेगा, तो ये इधर से आते हुए ये टी से, और ये ड्रेन हो जाएगा। ये हम फिल्टर लगाए हैं यहाँ पर, क्यों, जो रिटर्न स्टॉक में जो भी ऑयल आएगा वहाँ से फिल्टर होते हुए हमारा रिजर्वायर में जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सब पोर्शन कवर कर लिया है, और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक मीटर आउट सर्किट, और इन दैट लेक्चर वी विल डिस्कस ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन द मीटर इन सर्किट और मीटर आउट सर्किट, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। और कोई भी अगर आपके पास डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो मेरे। थैंक यू।